नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सकती है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर इस समय ईडी की एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची हुई है और ये टीम उनके घर की तलाशी ले रही है और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर रही है। उनके घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग करने के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है और ये सारे संकेत केजरीवाल के लिए शुभ नहीं है बल्कि चिंता में डालने वाले हैं। इससे पहले आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट का यह आदेश आने के कुछ ही घंटों के बाद ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर पर पहुंच गई। अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब सिर्फ एक महीना बचा है और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो इसका भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, चुनावों पर क्या असर पड़ेगा और चुनावों के दौरान केजरीवाल के जेल में रहने से क्या मोदी के परिवार को मजबूती मिलेगी या फिर केजरीवाल को सहानुभूति के वोट मिलेंगे और क्या केजरीवाल जेल में रहते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या किसी और को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। आपके मन में भी ये बहुत सारे सवाल होंगे। आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें कि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं अपनी पूरी टीम के साथ और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को उनके घर से अपने दफ्तर पूछताछ करने के लिए ले जा सकती है और इस बात की पूरी संभावना है कि आज अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और ये जो शराब घोटाला है ये लगभग 2800 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये संभव है। ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए उन्हें 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच कुल 9 समन भेज चुके हैं और अरविंद केजरीवाल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे थे और पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। एक बार भी वो पेश नहीं हुए और आज भी उन्होंने ईडी के 9वें समन से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें हाईकोर्ट से उन्होंने ये मांग की थी कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार ना किया जाए। यानी पहले उन्हें यह अश्योरेंस चाहिए कि अगर वो पेश होते हैं तो भी उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए और अदालत उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के लिए निर्देश जारी करे। इस एप्लीकेशन के साथ वो हाई कोर्ट गए थे लेकिन हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, ईडी से पूछा, ईडी के सारे कागजात देखे, ईडी से यह भी पूछा कि आप किस आधार पर, आपके पास सबूत हैं भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के या उन्हें गिरफ्तार करने के। उन्होंने ईडी की पूरी फाइल देखी और उसके बाद हाई कोर्ट ने, जब जजों ने ईडी की जो फाइल है वो उसको देख लिया, उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, उनके आग्रह को खारिज कर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा और उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट कोई रोक नहीं लगाएगा। इसके अलावा अदालत में आज सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और इसीलिए उन्हें बार बार इस मामले में समन भेजे जा रहे हैं। लेकिन ईडी ने इस पर हाईकोर्ट को जो जवाब दिया है वो जवाब अपने आप में काफी कुछ कहता है, क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने ईडी से पूछा कि आपको अगर गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको रोका किसने? तो ईडी ने कोर्ट से कहा कि उसने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहता है। यानी ये किसने कहा कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार ही करना चाहता है? ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाना चाहता है और इसीलिए ये सम्मन दिया था। और ईडी शायद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर भी सकता है और शायद नहीं भी कर सकता। तो ईडी ने अदालत को यह बताया कि हम शुरुआत में सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं, पूछताछ करने के बाद ये तय करेंगे कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी।
लेकिन जब हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की तो ईडी कुछ ही समय में उनके घर पहुंच गई और अब उनसे शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। और उनके घर के बाहर इस समय दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली के कई मंत्री मौजूद हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ही वहां पर आई है। कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए, अभी बहुत सारी फोर्स और अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको तुरंत जो है ईडी गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सम्मन देने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। सम्मन देने का सिर्फ एक बहाना है। पार्टी जलती रहे और मैं बैठा रहूं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखूं, ये संभव नहीं है। मेरे कहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि मैं जा नहीं सकता। क्या आपको भी डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए ना, कितना काफिला फोर्स का है, किस लिए आए इतनी मिलिट्री और ये पैरामिलिट्री फोर्स, ये सब जो आई है ये क्यों आए? नहीं, मैं आया जब मुझे पता लगा गेट बंद थे। अभी तक ये जानकारी है कि 6 से 8 जो ऑफिसर्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बार पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक और ताज़ा खबर आपके लिए यह है कि करीब 2 घंटे से केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल का फोन भी जब्त कर लिया है। और फोन जब्त कर लेना एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, हमारे दूसरे संवाददाता जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस समय 2 फ्लैश पॉइंट हैं, एक है अरविंद केजरीवाल का घर जहां पूछताछ चल रही है और दूसरा है ईडी का दफ्तर जहां पर अरविंद केजरीवाल को लाया जा सकता है। और हम दोनों ही जगह आपको लेकर चलेंगे। पहले चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, इस समय सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की नजरें अरविंद केजरीवाल के घर पर लगी हुई हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रही हैं आप और आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है? देखिए सुधीर जी, गिरफ्तारी की तलवार यहाँ पर लटक रही है क्योंकि जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उससे इस बात की आशंका को और ज्यादा बल मिलता है। जिस जगह से होकर नोएडा से दिल्ली में आई हूँ, आपको बता दें जगह जगह भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के आसपास धारा 144 लागी है और यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बलों की मौजूदगी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जरा आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल पास में। और यहाँ पर देखिए, यही वो घर है, यही वो गेट है जहाँ से ईडी के अधिकारी दाखिल होते हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं, क्या क्या नारेबाजी करते हैं यहाँ पर? तो ईडी अपना काम कर रहा है, क्या है, आप लोगों को क्यों साजिश दिखाई देती है? साजिश ये पूरी है क्योंकि पहले भी हमारे जिन नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई की गई, कोई सबूत नहीं, लेकिन उनके ऊपर पीएमएलए एक्ट लगा के जो उनको अभी तक जेल के अंदर रखा गया है, तो ये पूरी साजिश है दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए। और अब जैसा लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी को घबराहट है, तभी ये कार्रवाई की जा रही है। ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं, महिलाएं यहाँ पर बड़ी तादाद में लगी हुई है, थोड़ी जगह दीजिए, महिलाओं की बड़ी तादाद है, इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हुई है, क्या है? नरेंद्र मोदी ने पूरा देश भेज दिया, 3 चीजें खरीदी हैं, ईडी सीबीआई, और उसको खरीद के हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है, आप लोग जितना परेशान करेंगे भारतीय जनता पार्टी उतनी आम आदमी पार्टी उतरेगी। कुछ और लोग
क्यों नारेबाजी कर रही है? लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के बर्फ में की जा रही है, कितना शर्मनाक है। आप पता है आचार संहिता लगी हुई है, दिल्ली की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, क्या ये शोभा देता है? एक शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, ईडी के पास सबूत सबूत है, कोर्ट में कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके एक भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के अरविंद जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोकप्रियता से घबराए हुए नरेंद्र बाबू, सपने में भी केजरीवाल लोग को लग रहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए गिरफ्तारी नहीं होगी, हम बोले नहीं देंगे। आप बताए अजीत करके एक अजीत पवार, अजीत पवार वॉशिंग मशीन में जाके ठीक हो जाते हैं। आज अरविंद जी बीजेपी दोनों लोग बोलेंगे कैसे, आज अरविंद जी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे, बिल्कुल हम गिरफ्तार होने नहीं देंगे, हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता है, इनका ये कहना है कि बीजेपी की ओर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जरा पीछे लेकर चलते हैं आपको, यहाँ पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की भी मौजूदगी है। थोड़ी जगह दीजिए, आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, और पीछे की तस्वीरें दीपक आप जरा दिखाइए, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से गेट पर ही मौजूद हैं और उसके आगे बैरिकेड करके मीडिया को काफी पहले ही रोक दिया गया है। जरा आगे की तस्वीर भी दिखाइए, यहां से लेकर पूरा आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस वालों की ही मौजूदगी यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यहां पर तादाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के भीतर सबूत दर्ज किए गए उसके बाद सुधीर जी ये माना जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ गई हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन पूछताछ के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में भी हमने देखा था ईडी पूछताछ करती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ये 10वां समन है, 10वें समन के बाद हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी और 10वां समन अरविंद केजरीवाल को भी मिला, तो माना यही जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकता है कर ली जाए आज ही। अभी पूछताछ की जा रही है, फोन जब्त कर लिया गया है। दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करती है तो बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए बनी हुई है, यकीनन वो ठीक नहीं कही जा सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, सर आप लोग को क्यों लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है, क्योंकि ईडी आज हाईकोर्ट भी गई थी, वहां से भी सीएम को राहत नहीं मिली? देखिए आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी में कोई आदमी चला जाता है, अगर कोई किसी को ज्वाइन करा लेते हैं तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आज बीजेपी की ईडी जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है, और ये आप भी जानती हैं, आपका नाम भूल चित्रा जी, के अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर, चाहे वो बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर, चाहे बिजली फ्री कर, चाहे पानी फ्री करके, या डेवलपमेंट के जितने काम कर रहे हैं उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पर तो आरोप शराब घोटाले के हैं ना, तीन लोगों की पहले ही गिरफ्तारी, जो बड़े चेहरे हैं, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, तो शराब घोटाले को आप शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं उसको नहीं जोड़ा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कोई इल्जाम तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, कोई सिद्ध तो हुआ नहीं है, आप मुझ पे भी लगा सकती हो, मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, तो आरोपों के आधार पे, झूठे आरोपों के आधार पे आप अरविंद केजरीवाल जी को षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित करने का काम, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है, जैसा हम आपको बता रहे थे कि हाईकोर्ट से तो केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन अब केजरीवाल के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है, क्योंकि केजरीवाल की जो टीम है वकीलों की वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करे, और हो सकता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। और संजय शर्मा हमारे संवाददाता आपको इस पूरी खबर का जो कानूनी पहलू है उसके बारे में वो बताएंगे। संजय आप बताइए कि अब जब केजरीवाल की जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें जल्दी सुनवाई देगी या सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकती है? संजय के पास हम बाद में आप जाएंगे। संजय बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है, देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा करने वाली ये खबर है, क्योंकि ईडी ने आज आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और
ये गिरफ्तारी कोई छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी है। और हाल ही में ईडी ने, ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था जो कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे उस समय, और आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जल्द ही बेल नहीं मिली तो ये जो चुनाव है लोकसभा का, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हो सकता है जेल की सलाखों के पीछे ही रहें और इससे आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बुरा असर पड़ सकता है। चित्रा के पास चलते हैं सीधे। चित्रा, आप हमें वहां से लेटेस्ट जानकारी बताइए कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है। देखिए आपको बता दें, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि पहले से ही जिस बारे में आशंका जताई है, एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई के कारण यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप कानूनी लड़ाई कैसे पहुंचे थे, अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वाश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल तो देखिए, बड़ी खबर इस समय आपके लिए यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आतिशी जो उनकी सहयोगी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अगर वो जेल जाते हैं तो वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है वो ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की उन्होंने जो एप्लीकेशन है आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वकीलों की, वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आज रात को ही इसी समय जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। यानी सुप्रीम कोर्ट वो चाहते हैं कि रात में इसी समय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा खोला जाए, शुरू किया जाए, जज जो हैं वो अपने अपने घरों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अर्जेंट हियरिंग अरविंद केजरीवाल के इस मामले पर तुरंत की जाए। अब ये बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके लिए तैयार होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कल इसकी सुनवाई करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कल भी सुनवाई ना करे। लेकिन बड़ी बात जो बार बार अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को मजबूर कर सके इस्तीफा देने के लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और वो जेल से भी अपनी सरकार को चला सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून फिलहाल नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को कह सके कि वो, ये देखिए, दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाईकोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाईकोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया, मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री
जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था उस आज। गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के बड़े नेता भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। गौरव जी, अब इस समय देखिए, अरविंद केजरीवाल की टीम, उनके कार्यकर्ता लगातार सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रति। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये मुहिम इस समय चल रही है। जनता के सामने ये दो तस्वीरें होंगी, एक अरविंद केजरीवाल के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, और दूसरा बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन। जनता किस पर विश्वास करेगी? सुधीर जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, केवल एक ही तस्वीर है और वो तस्वीर है अरविंद केजरीवाल के घिनौने भ्रष्टाचार की। और आज जो भ्रष्टाचार का युग है अरविंद केजरीवाल का, उसका अंत होता दिखाई दे रहा है, जनता इसका स्वागत कर रही है। सबसे बड़ी बात आज ये है सुधीर जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जांच एजेंसियां पिंजरे का तोता नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है आप संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, कानून के हाथ मजबूत भी हैं, लंबे भी हैं और आपकी गर्दन तक आएंगे, वही आज हुआ है। एक बड़ी बात गौरव जी, लेकिन गौरव जी मैं आपको बीच में टोकूंगा, आपके जो विरोधी हैं और केजरीवाल के जो समर्थक हैं या विपक्ष के नेता, वो ये कहेंगे कि कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून के इन हाथों में सरकार ने कुछ टाइमर भी लगा रखा है, और वो टाइमर ऐसा लगाया है कि वो चुनावों से ठीक पहले ऐसे समय में केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे जब सबसे ज्यादा इसका असर चुनावों पर पड़ सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से 30 दिन बचे हैं, ऐसे समय में केजरीवाल का जेल में चले जाना राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? सुधीर जी, टाइमर नहीं लगा है, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का टाइम का अंत हो गया है। और आपको मैं एक जानकारी देता हूं, पहला समन जो आया था वो 2 नवंबर 2023 को आया था, आज करीब करीब 4.5 महीने से ऊपर हो गया। अरविंद केजरीवाल चाहते तो समन का पालन करके जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करते, वो नहीं किया। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे साक्ष्य और प्रमाण अपने कक्ष में देखे 2 न्यायाधीशों ने, और उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंतरिम राहत नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो जांच एजेंसी ने भी संज्ञान लेके इसके आधार पर निर्णय किया होगा। जी गौरव जी, मैं चित्रा के पास चल रहा हूँ। चित्रा, आप इस समय बिल्कुल उस जगह पर खड़ी है जहां पर सारा एक्शन इस समय हो रहा है, जहां पूरे देश की नजर लगी हुई है, क्या बताना चाहेंगी इस समय वहां से, अरविंद केजरीवाल के घर से? देखिए, यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चली है। गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के सीएम को कभी भी उनके आवास से निकालकर ईडी यहाँ से लेकर जाने वाली है। यहाँ पर आपको जरा तस्वीरें दिखाएं, रैपिड एक्शन फोर्स की ये जवान पीछे के हिस्से में लगे हुए थे और अब सीधे मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स में ये तमाम महिलाएं भी हैं, ये दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की मौजूदगी है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ आइए आप दीपक। यहाँ पर आप, ये वो गेट है, क्या यहीं से लेकर मुख्यमंत्री को जाएगी ईडी की टीम, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज थी। बाहर कुछ पुलिस वाले थे, वो सब लोग अभी भीतर की तरफ दाखिल हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर हलचल काफी तेज हो गई है। जो दूसरा पीछे वाला गेट है, वहां पर भी बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उनकी वहां पर मौजूदगी है। लगातार वो सरकार पर, बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या दिल्ली के सीएम की शराब मामले में घोटाले में गिरफ्तारी होगी, आज आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब वो जेल जाने की बात, क्योंकि कई सवाल यहाँ से हमने हेमंत सोरेन के मामले में देखा था सुधीर जी, कि किस तरह से जेल जाने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि नहीं, जेल से ही दिल्ली की सरकार को वो चलाएंगे। क्या ऐसा होगा या फिर दिल्ली को अब अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की, क्योंकि हमने देखा था जितने भी लोग जेल गए, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, उसके बाद कैसे उनको इस्तीफा देना पड़ा और बाकी लोगों को जिम्मेदारी दी गई, तो वही सवाल
केजरीवाल इस वक्त कायम है, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी गिरफ्तारी के बाद यहां पर कोशिश सुधीर जी की जाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से कि लोकसभा चुनाव में सहानुभूति बटोरी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ के आरोप लगाते हुए पहले से ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि अभी और हाल ही में एक हफ्ते पहले जब के कविता की तेलंगाना से गिरफ्तारी हुई तो उस समय सीबीआई का बयान आया था कि बहुत जल्द एक बहुत बड़े चेहरे की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, और आखिरकार सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो जगह है जहां पर पुलिस वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, और यहीं से माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को निकालकर यहां से ईडी की टीम लेकर जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई क्या होगी राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल को या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस बात की आशंका थी आम आदमी पार्टी को, जो डर था, वो सही साबित हुआ। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। सुधीर जी, जी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे हम कोई राजनीति की फिल्म देख रहे हैं और राजनीति की इस फिल्म का कोई सीन इस समय हमारे सामने चल रहा है, लेकिन ये राजनीति की फिल्म नहीं है बल्कि ये असलियत है। और अरविंद केजरीवाल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो जबरदस्त बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके पास 2/3 बहुमत है। उनकी गिरफ्तारी करना इस समय दिल्ली से उनके घर से आसान काम नहीं है, और इसीलिए सुरक्षा के इतने बड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि देखिए, जब भी राजनीति में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो उस समय वो पार्टी और उसके कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन जरूर करते हैं, और इस समय भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी दिल्ली में, सिर्फ यही नहीं, पूरी दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करेंगे। नारेबाजी होगी और पूरे देश को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, और क्योंकि वो विपक्ष के बहुत बड़े एक चेहरे के तौर पर उभर रहे थे इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, और ये कहकर सहानुभूति उनके लिए पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वो कैसे देश के साथ संवाद करती है, क्या करती है, कैसे वो न्यूज चैनल्स पर आकर मीडिया में आकर अपना पक्ष रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंग्रेजी में इसे ऑप्टिक्स कहते हैं कि ऑप्टिक्स किसके बेहतर है, और ये ऐसा समय होता है जब देश की जो आम जनता है वो लीगल मामले की मेरिट्स पर नहीं जाती, उसे पता भी नहीं होता कि जो लीगल फाइल है, जो सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, वो क्या कहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि टीवी के पर्दे पर क्या दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं कि आंसू कहां दिखाई दे रहे हैं, वो देखते हैं कि नारेबाजी कहां दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि विपक्ष की जो एकता है उसका भी ये एक तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब यह देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में जो उनके साथी हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, वो इस गिरफ्तारी को कैसे लेते हैं और वो किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है। दूसरी तरफ जो टीम मोदी है, यानी ये सरकार है, वो ये बताना चाहेगी कि ये उनकी मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार के सामने सभी लोग बराबर हैं। अब हम आपको जितेंद्र बहादुर सिंह के पास एक बार लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि चित्रा है इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर और जितेंद्र उस जगह पर है जहां अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल की जो अगली मंजिल है वो वहां पर खड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, आप हमें बताइए, आप ईडी के दफ्तर पर खड़े हैं, वहां से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सुधीर, मैं इस वक्त ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि जो पीछे का रास्ता है पूरी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसने यहां पर बैरिकेडिंग कर दिया है, और ईडी मुख्यालय यहां से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और आपको दिखा दूं कि यहां अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहां पर ईडी जो मुख्यालय है वहां पर इनको लाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि ये मुख्यालय का जो पीछे का गेट है उस गेट की तरफ पुलिस को वहां पर भारी संख्या में तैनात किया गया, और उसके बाद पुलिस जो है इस
रास्ते से अरविंद केजरीवाल को यहां पर ला सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो रोड है उस रोड पर भी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है और वहां पर एक पोस्टर पुलिस की तरफ से लगाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लगा दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो निवास स्थान है वहां पर जो प्रदर्शन इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, उनको हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब हिरासत में लेने के बाद उनको आशंका यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में जो ईडी का मुख्यालय है वो यहां पर आ सकते हैं। मैं इस वक्त ईडी मुख्यालय की तरफ का जो पीछे का गेट है उस तरफ मौजूद हूं। जितेंद्र, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। हम अरविंद ओझा के पास चल रहे हैं। अरविंद ओझा भी इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं और अरविंद से हम ये पूछते हैं कि अरविंद, क्या उन्हें गिरफ्तार करके ईडी की टीम वहां से ले गई है या अभी भी वो अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही है? नहीं, अभी अरविंद केजरीवाल घर पे ही मौजूद है और ईडी की टीम भी घर पर ही मौजूद है। सुधीर, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर घर से जाए। और जाहिर सी बात है, चूंकि सर्च भी हुआ है, पहले ईडी की टीम 6 से 7 अधिकारी पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। हम थोड़ी तस्वीर भी जरूर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हलचल है यहाँ पर। देखिए, दिल्ली पुलिस के ये जवान है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दूसरे हिस्से में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, तो ये माना जा रहा है कि ये वो रूट है जिस रूट से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर जा सकती है सीधे हेडक्वार्टर। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल चूंकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो एक जो एक लीगल प्रोसेस है उसके तहत उनका मेडिकल जांच भी करवाएगी ईडी की टीम। अगर इसकी बात करें तो शुरुआत में सबसे पहले ईडी की टीम पहुंचती है, 6 से 7 अधिकारी वो पहुंचते हैं, उसके पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसके बाद अंदर तलाशी अभियान चलता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो जी। और अब हम संजय शर्मा के पास आपको लेकर चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम संजय से पूछने वाले हैं। संजय शर्मा आपको इस केस के कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। संजय, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके बारे में संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्योंकि अगर ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था तो क्या उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा, और क्या अगर अरविंद केजरीवाल ना चाहें तो वो जेल से बैठे हुए भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार चला सकते हैं? संविधान के जानकारों की माने सुधीर जी, तो संविधान किसी भी तरह से मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता नहीं है, और ना संविधान में कहीं ये कहा गया कि गिरफ्तारी होने पर किसी भी राज्य के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो चाहें तो जेल से सरकार चला सकते हैं और चाहें तो अदालत को यह बताकर अपने लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं। जब तक स्पीकर किसी को अयोग्य घोषित ना कर दे और जब तक सदन की मंजूरी ना हो, तब तक कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बना रह सकता है। और जहां तक बात है गिरफ्तारी की, तो सुबह अगर इसमें याचिका भी दायर की जाती है और याचिका दायर कर दी गई है, लेकिन सुबह अगर इस पर सुनवाई भी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही रात की ये कोशिश चल रही थी कि रात को ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आगे मेंशन किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जुड़े सूत्रों ने कहा कि वो दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और सुबह पूरे जोर शोर यानी पूरे दमखम के साथ और पूरे दस्तावेजों के साथ पूरी तैयारी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग करेंगे। क्योंकि पहले भी समन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हाईकोर्ट के आगे और लोअर कोर्ट के आगे कि ये समन अवैध है और जो प्रक्रिया है समन की वो उसका उल्लंघन है, और साथ ही ईडी को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है उन्हें समन करके बुलाने का। फिलहाल अभी नई खबर जो इस समय की आ रही है वो ये है कि अदालत में कल केजरीवाल को पेश किया जाएगा। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या अपडेट दे सकते हैं? कल कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, मेडिकल के लिए भी, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी केजरीवाल को अभी ले जाया जाएगा। और ये एक लीगल प्रोसेस होता है, जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि जिसकी गिरफ्तारी की जाती है पहले उसका एक मेडिकल चेकअप कराया जाता है, ये सभी के साथ होता है, और उसके बाद फिर उन्हें अदालत में भी पेश किया जाता है। लेकिन संजय, हमारे दर्शकों को इसके बारे में और ज्यादा बता सकते हैं? संजय, इसके बाद केजरीवाल के साथ कौन सा लीगल प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा, चाहे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, उनके पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, कैसे होगा? वो इसलिए किया जाता है ताकि
थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना हो और किसी भी तरह का कोई टॉर्चर करने के कोई चांसेस ना हो, इसलिए लिहाजा उनका सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद जब वो कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेशी के पहले भी उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा ताकि ये पता चले कि हिरासत के दौरान उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी तो नहीं की गई है। और इसके साथ ही हो सकता है कि रात को ही केजरीवाल से ईडी की टीम मुख्यालय में पूछताछ करे, या ये भी मुमकिन है कि सुबह इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन ज्यादा चांस ये लग रहे हैं, ईडी के सोर्स से बता रहे हैं कि रात को ले जाने के बाद थोड़ी देर पूछताछ जरूर होगी और इसके बाद फिर अदालत में इनकी ईडी अपनी हिरासत की मांग करेगी और ये बताएगी कि के कविता और बाकी अन्य लोगों के साथ केजरीवाल का आमना सामना कराना है, क्रॉस कराना है, लिहाजा उनको हिरासत में लेना जरूरी है। तो वो तमाम चीजें होने के बाद जब जब उनको पेश किया जाएगा तब तब उन्हें उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और मेडिकल चेकअप के साथ ही उन्हें वहां उसमें पेश किया जाएगा। साथ ही केजरीवाल की टीम गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट से बताएगी कि उनके वकील को उनसे एक्सेस दिया जाए मिलने के लिए और वो कितनी देर मिल सकते हैं, 24 घंटे में कितने घंटे के लिए, वो भी अदालत से तय कराया जाएगा। और इसके साथ ही ईडी की हिरासत में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अदालत उसके बारे में भी कई बार पूछताछ करती है, तो ये सारी चीजें तमाम चीजें फॉलो होंगी। और ये तो थंब रूल है कि जैसे ही किसी को हिरासत में लिया जाता है, किसी भी अभियुक्त को या किसी को, तो उसे 24 घंटे के अंदर एक कंपिटेंट अदालत के सामने पेश करना पड़ता है और इधर लोअर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और इधर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि केजरीवाल की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें अर्जेंट हियरिंग की बात की जाए और उसमें कहा जाए। क्योंकि पहले सब लोग सोच रहे थे कि रात को ही मेंशन किया जाएगा, लेकिन केजरीवाल के लीगल टीम से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का यह कहना है कि वो सुबह ही पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय आप आज तक की स्क्रीन देखिए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खबरों में से एक है हाल फिलहाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार हो जाना। और इस खबर की एक एक पहलू पर सबसे बड़ा विश्लेषण और सबसे बड़ा जो खबर है और उस खबर का हर पहलू आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जो हर जगह पर इस समय जितने भी फ्लैश पॉइंट्स हैं और जितने भी इस खबर के पहलू हो सकते हैं वो सब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आप सब लोग इस समय बने रहिए, हमारी जो पूरी टीम है इस समय हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए इस सवाल पर आते हैं कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, जो कि सवाल अभी हमने संजय से भी पूछा था, और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या नहीं, ये हमारे दर्शकों के मन में भी एक सवाल जरूर होगा। तो संजय ने जैसा बताया भी, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो, और भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कानून में यह बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है, सांसद रह सकता है और विधायक बने रह सकता है, और जेल से ही सरकार को भी चला सकता है। आपको याद होगा इस समय अरविंद केजरीवाल के एक और साथी संजय सिंह भी जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए ही वो राज्यसभा के सांसद बने हैं और राज्यसभा आकर बाकायदा उन्होंने शपथ भी ली है और पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो उन्होंने पूरी की है, बावजूद इसके कि वो जेल में है। इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही इस पर काफी होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 के बीच दिल्ली में आम लोगों से उनकी राय जानने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम था मैं भी केजरीवाल, और इस अभियान में दिल्ली के लोगों से यह पूछा गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का ऐसा दावा है कि इस अभियान में दिल्ली के लगभग सभी लोगों की राय यह थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और इसके बाद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सरकार जेल से ही चलेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अदालत जाएगी और कोर्ट से यह इजाजत लेगी कि जेल में अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों की और अधिकारियों की बैठकें कर सकें, जेल में ही वो सारी फाइलें मंगा सकें और जेल से ही उन फाइलों पर हस्ताक्षर करके वो अपना शासन चला सकें। तो देखिए एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति ना सिर्फ दिल्ली वालों के सामने बल्कि पूरे देश के सामने होने वाली है जब एक सिटिंग
चीफ मिनिस्टर हिरासत में है और हिरासत में वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर है, और अगर उन्हें जेल में भी डाला जाता है तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो जेल में मीटिंग करने की कोशिश करेंगे अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ, फाइलें मंगवाएंगे और जेल से ही शासन चलाएंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति शायद भारत के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी कि एक चीफ मिनिस्टर जेल में रहते हुए गिरफ्तारी होने के बाद वो ऐसे ही शासन चलाता रहेगा। यानी केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने के लिए अपना पूरा लीगल होमवर्क किया हुआ है, और अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, और ये एक्सक्लूसिव व्यवस्था हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए है। आज आम जनता को यह जानने का भी जरा मन होगा कि यह जो सुविधा दी गई है हमारे देश में, यह सिर्फ नेताओं को दी गई है। हमारे देश में नेता ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी को भी जेल से इस तरह का काम करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम मनीष पांडे के पास चलते हैं। मनीष पांडे आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं। मनीष, अगर हम राजनीति की भी बात करें और इसका लीगल पहलू भी देखें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली और पंजाब ये दो राज्य ऐसे हैं जहां आने वाले 24 घंटों में हमें बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और अरविंद केजरीवाल के पीछे कम से कम दो राज्य सरकारें इस समय होंगी, वो है दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार। जी बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। और सुधीर, मैं उसके लिए आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग की गई है, उसके बावजूद भी कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़े हैं। लेकिन देखिए सुधीर, इस बार जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, यानी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इतिहास में तीसरी बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है, और दूसरी बार ऐसा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है, और दोनों ही बार जो कार्रवाई की गई है वो ईडी की तरफ से की गई है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, वो भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, और आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अपने आप में ये सब कुछ बहुत ऐतिहासिक है। अभी अंदर की खबर मैं आपको बता दूं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले छापेमारी का जो काम है ईडी का, वो अभी भी चल रहा है, तलाश अभियान चल रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको सीज किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज किया गया है, और अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ होनी थी वो पूछताछ खत्म हो चुकी है। प्रक्रिया यह थी कि पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी, सबूतों के साथ में ईडी यहां पर पहुंची थी और सबूतों के आधार पर ही उनसे पूछताछ की गई। कुछ ऐसे सबूत थे जिसका अरविंद केजरीवाल, जब सामना कराया गया उनसे ईडी की तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद ईडी ने तय किया कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना जरूरी है। ईडी सूत्रों का यह कहना है कि जब यह कार्रवाई पूरी हुई, इसके बाद में गिरफ्तारियों का जो अरेस्ट ग्राउंड होता है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो होता है, वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया। जी मनीष, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि चित्रा कुछ कहना चाहती है। चित्रा, हम आपके पास आ रहे हैं, और चित्रा आप बताइए। जी देखिए, यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंदर से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर सुरक्षा के, क्योंकि इसी रास्ते से आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के सीएम निकलने वाले हैं, यहाँ से बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के अभी अभी निकले हैं सुधीर, और वो बाहर की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें, क्योंकि कभी भी माना जा रहा है कि ईडी लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को आ सकती है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की ये तमाम जवान है। जरा इधर आइए दीपक, दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी किस तरह से भारी तादाद में पुलिस वालों की यहाँ पर मौजूदगी है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो या तो जाम है जहां तक हम दूर तक देख पा रहे हैं, या फिर पुलिस वालों की भारी तादाद में मौजूदगी है। तो यहां की स्थिति बता रही है कि किसी भी वक्त, आपको बताते चले कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर किसी भी समय निकल सकती है, क्योंकि एक जो बड़े अधिकारी थे वो यहां से अभी अभी मूव करके बाहर की तरफ गए हैं, हो सकता है जायजा लेने के लिए गए हों। लेकिन सुधीर जी, एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुनीश जिसका जिक्र कर रहे थे, देखिए लालू प्रसाद यादव सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, 1997 में चारा घोटाला मामले में उनकी कुर्सी चली गई थी, जेल के पहले राबड़ी देवी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। इसके बाद आ जाते हैं 2011-12 में, हमने देखा था येदुरप्पा, उनकी कुर्सी चली गई थी एक लोकायुक्त मामले में, और फिर उनको सीएम के पद को छोड़ना पड़ा था। उमा भारती की बात करूं, 2003 में 10 सालों के कांग्रेस के शासन को वो तोड़कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, लेकिन कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसके बाद 2004 में उनको इस्तीफा देना पड़ता है। हाल ही में हेमंत सोरेन के मामले को हमने देखा, जयललिता उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला था 2014 में, उनकी गिरफ्तारी
तलवार जब गिरफ्तारी होती है तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। तो ये कहा जाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। जो कानून के जानकार हैं जिनसे मेरी अभी भी बात हुई है, उनका यह मानना है कि वो किस तरह से एडवोकेट जनरल से जेल के भीतर बात करेंगे, वो कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनको कैसे जेल के भीतर बुलाएंगे, वो कैसे अधिकारियों के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे। तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी माहौल बना सकती है, लेकिन व्यवहारिकता मुझे नहीं लगता। चित्रा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारी टीम में भी एक अरविंद है और हम अपनी टीम के अरविंद के पास आपको लेकर चलते हैं। उनका नाम है अरविंद ओझा और अरविंद ओझा उसी बस के पास खड़े हुए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए। देखिए राखी बिरला यहाँ पर मौजूद है। राखी, आप आज तक पर लाइफ है? अरे मुझे जबरदस्ती इस अंधेरी वाली बस में धकेल रहे हैं। एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है, सारे पुरुष हैं। और मैं अगर नीचे उतर रही हूँ, मैडम ने मुझे घूसा मारा है, थप्पड़ मारा है मैडम ने मुझे, हाथापाई कर रही है मैडम। ये देखिए आप अभी भी देखिए कैसे भी कर रहे हैं। देखिए आपको दिखाऊं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं है। ये जो बस है सुधीर जी, इसी बस में राखी बिरलान को अभी आपने सुना तमाम ही आरोप लगाई थी, इसी बस में लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम वो जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही कोई यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चाहे विधायक कार्यकर्ता आ रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर की तस्वीर है। अभी अभी आपने सुना राखी बिरलान को, जो अमूमन आप देखते होंगे तो विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठी दिखाई देती है, मुस्कुराती दिखाई देती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है आंख में आंसू है। और जैसे यहाँ पर पहुंची, तुरंत दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस की टीम ने डिटेन किया और उनको बस में बिठा कर। अरविंद, अब हम वापस आपके पास आएंगे। अब हम दर्शकों को ये बताते हैं कि जो ये जो बड़ी बहस चल रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर वो खुद जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी तो यही चाहेगी, अरविंद केजरीवाल भी यही चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते रहें। लेकिन हो सकता है ये इतना आसान ना हो और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े। अब क्या आपने सोचा है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन हो सकता है? तो आज हम आपके सामने पहला ऑप्शन जो आम आदमी पार्टी चाहेगी, एक तो पहले सबसे पहले तो वो यही चाहेंगे कि केजरीवाल ही बने रहें और वही जेल में बैठकर शासन चलाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उनके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि केजरीवाल को सबसे ज्यादा सूट ये करता है कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य और वो भी अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो शासन उनके हाथ में रहेगा और उनके लिए काफी आसानी रहेगी। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव ऐसी स्थिति में आए थे तब उन्होंने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी को अगला मुख्यमंत्री बना दें। और उसका बड़ा कारण यह है कि सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली की सत्ता एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगी और बहुत कम लोग जानते हैं कि केजरीवाल की तरह सुनीता केजरीवाल भी एक रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं, यानी बहुत पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी में रही हैं और वो इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल में कमिश्नर के पद पर भी रह चुकी हैं और उनके पास खुद के पास भी 20 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। इसके अलावा यह बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वयं भी काफी लोकप्रिय हैं और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल ने वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था तब सुनीता केजरीवाल ने अपनी नौकरी से छुट्टियां लेकर केजरीवाल के लिए उनके साथ रहकर प्रचार किया था। सुनीता केजरीवाल के अलावा दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर सुनीता केजरीवाल नहीं तो अगला विकल्प कौन है? वो है आतिशी, जो अभी सरकार में केजरीवाल के बाद नंबर दो हैं और महत्वपूर्ण पद और मंत्रालय वो संभालती हैं। बहुत आर्टिकुलेट हैं, खुद एक महिला हैं और इस पद के लिए बिल्कुल सूट करती हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर अब आपको कहां देखने को मिल सकता है? सबसे ज्यादा असर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। गुजरात और गोवा के चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.6% वोट मिले थे, पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, गुजरात के चुनाव में 12.9% यानी लगभग 13% और गोवा के चुनाव में
उन्हें 6.8% वोट मिले थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब इन राज्यों के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर असर जरूर पड़ेगा। अच्छा असर पड़ेगा, खराब असर पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी और केंद्र सरकार जनता के सामने जनता को कैसे कन्विंस कर पाती है कि उन्होंने जो एक्शन लिया है केजरीवाल के खिलाफ वो सही लिया है, या फिर केजरीवाल की टीम जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर पैदा कर पाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। अब ये देखिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के मायने क्या है। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि ये पार्टी जो है ये वन मैन शो है, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी है और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, और वो व्यक्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। और अगर वो वन मैन ही गिरफ्तार हुआ तो इससे आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से लड़खड़ा सकती है, उसके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूट सकता है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल अपनी पार्टी को लीड नहीं कर पाएंगे, कोई निर्देश नहीं दे पाएंगे और रणनीति नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी से उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। और क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो अभी हाल ही में बनी है, उनका उतना बहुत मजबूत ऐसा काडर नहीं है, इसलिए उस पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक बड़ी पार्टी बीजेपी के रास्ते से अब चुनाव में हट गई है। एक ऐसी पार्टी हट सकती है रास्ते में से जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुत तेजी से उभर रही थी, और अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक या दो राज्यों के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहे थे, राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए थे, और इसलिए बीजेपी के रास्ते से अब इतनी जो बड़ी पार्टी है उसका हट जाना एक तरीके से हो सकता है कि चुनाव में बीजेपी को मदद करेगा। और मैं वापस चित्रा के पास चलता हूं। चित्रा, बात हम यही कर रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का अब भारत की राजनीति पर, खास तौर पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और दिल्ली और पंजाब आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि यहां की राजनीति उबलने लगेगी। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी आपने, लेकिन यहाँ पर दो बातों को मैं जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जब भी लोकसभा चुनाव की बात होती है तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे से शुरू, खासतौर से राजधानी दिल्ली में पिछले दो लोकसभा के आंकड़े यही बताते हैं। 2014 में क्लीन स्वीप, 2019 में क्लीन स्वीप, 2014 के दो चेहरों को बदला भी था, उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। मौजूदा वक्त में दिल्ली की जो सातों सीटें हैं वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता, ऐसा कहीं कहा नहीं जा सकता था। यह अलग बात है कि चुनाव की तारीख नजदीक आती तो परिस्थितियां क्या बनती यह देखना महत्वपूर्ण रहता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? पत्रा के पास चलते हैं, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है, और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है, विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर एक, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की
अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। तो अब हम राजनीति के बारे में बात कर रहे थे कि राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, और खास तौर पर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। बीजेपी के रास्ते से तो एक बड़ी पार्टी निकल गई, हो सकता है बीजेपी को इसका फायदा भी हो, और हो सकता है कि दिल्ली जैसे जगह पर बीजेपी के जो वोट हैं इसके जरिए और ज्यादा बढ़ भी जाएं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे लेगा, और क्या इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं केजरीवाल के, वो दिल से केजरीवाल के साथ आएंगे या फिर वो केजरीवाल का दिल से साथ नहीं देंगे। चित्रा, आपको क्या लगता है, बीजेपी तो छोड़ दीजिए, केजरीवाल के जो अपने साथी हैं विपक्ष में, क्या वो भी केजरीवाल के लिए खड़े होंगे उनके पीछे? देखिए, मौजूदा वक्त में तकरीबन सभी पार्टियों की स्थिति एक जैसी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आते आते सब कमजोर होने लगती हैं। ये पिछले दो बार के आंकड़े दिखा रहे हैं, ये हमारा कोई अपना मत नहीं है। तो इस वजह से अभी प्रियंका गांधी का ट्वीट आ चुका है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर, उन्होंने अपनी बात कही है उसको गलत ठहराया है। दूसरी पार्टियों के भी ट्वीट आएंगे यकीनन, या फिर वो उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना संघर्ष तो खुद ही करना होगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोप अगर लगे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि राहत यहां पर नहीं मिली है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, के कविता की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो क्या कोर्ट से उनको राहत मिलेगी? क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर के मामले में जिस तरह का फैसला आया, सबने देखा कि कैसे कोर्ट के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल उत्साह से भर गई थी। उसने कहा कि देश में कोर्ट है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने आज हमें न्याय दिया। उसी कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत आगे आने वाले दिनों में दी जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, आम आदमी पार्टी को नया संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष दिल्ली के 7 सीटों पर, संघर्ष 13 पंजाब की सीटों पर, लेकिन उससे बड़ा संघर्ष उनके बड़े नेता जो जेल के भीतर हैं, उनको राहत देने पर। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा 2012 में नवंबर में जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया इसी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसके हम सब गवाह बने, हमने वहां से रिपोर्टिंग की, जंतर मंतर से रिपोर्टिंग की, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में ही उनको जेल जाना पड़ेगा। जिसमें संजय अच्छी तरह से बता सकते हैं, वो ये है कि इस समय ऐसा लगता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पूरी टॉप लीडरशिप है वही जेल में है। अब स्वयं केजरीवाल भी जेल में होंगे और उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो सारे खास लोग हैं, वो सारे के सारे इस समय जेल में हैं। पहले ये कहा जाता था कि मनीष सिसोदिया थोड़े दिन के लिए अंदर गए हैं, बाद में उनकी बेल हो जाएगी। संजय सिंह भी यही कहते थे कि मैं बहुत जल्दी वापस लौटूंगा। सत्येंद्र जैन भी यही कहते थे कि थोड़े दिन की बात है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। क्या आपको ऐसा लगता है संजय कि केजरीवाल के लिए भी अब यह रास्ता बहुत ही लंबा होने वाला है और यह इंतजार भी बहुत लंबा होने वाला है, वैसा ही जैसा मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है और संजय सिंह के साथ हुआ है? ये पीएमएलए एक्ट और ईडी का मामला कुछ ऐसा ही है कि एक बार जो इसी गिरफ्त में फंस जाए, इस भंवर में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। फंसना आसान होता है लेकिन निकलना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज, जो आपने राजनीतिक नेतृत्व की बात कही, यही बात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि चुनाव सिर पर है और हमारी पार्टी को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि हमारे पहले से ही 2-3 नेता जेल के अंदर हैं और ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा चाह रही है कि हमारी पार्टी चुनाव में लड़खड़ा जाए और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उससे हमें वंचित रखा जा रहा है, उसे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम सरकार की कोशिश ये है कि ईडी का इस्तेमाल करते हुए और हमें चुनाव में कमजोर करने की, हमें लचर करने की कोशिश है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें भी साफ हो गई हैं कि हाई कोर्ट ने फाइल देखने के बाद, जब उन्होंने मुकदमे की फाइल देखी और सारे रिपोर्ट्स और सारे रिकॉर्ड जब कोर्ट को दिए गए, कोर्ट इससे पहले बहुत तरह के सवाल पूछ रही थी, लेकिन जब भोजनावकाश के बाद कोर्ट ने 15-20 मिनट तक उन फाइलों का निरीक्षण किया, उसके बाद कोर्ट का रुख भी बिल्कुल बदला सा नजर आया और उन्हें पता नहीं फाइल में क्या क्या चीजें मिली। क्योंकि एएसजी एएसजी एसवी राजू जो
ईडी की तरफ से फौरन आपके पास लौटूंगी। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट को फाइलों में क्या क्या बातें नजर आई जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई चली गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। सीधे ईडी दफ्तर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। लेकिन अब यहां से आम आदमी पार्टी अपने नेता का बचाव कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों विधायकों की ओर से बयान सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तो कर ली गई लेकिन उनकी उनके जो विचार हैं उसको कैसे दबाएगी बीजेपी, सीधे बीजेपी के ऊपर यहां आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री की बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि जेल जाने के पहले क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे।